नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 259वां एपिसोड। आज है 12 अप्रैल 2021 और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर खबरों की नदियां बह रही हैं। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल को लेकर, आईपीएल में ऑरेंज कैप पर्पल कैप को लेकर, नीतीश राणा की अंगूठी को लेकर, तो वही दोस्तों 10 बड़े खिलाड़ियों की आईपीएल में एंट्री को लेकर आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूँ। सारी खबरें डिटेल में बताऊंगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है सारी खबरों को एक साथ आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। ये रिपोर्ट कुमार संगकारा को लेकर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम में हेड कोच, मेंटर, डायरेक्टर ऑफ द क्रिकेट, एक बड़ा रोल दोस्तों कुमार संगकारा का। उन्होंने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है नॉट डिसाइड ओपनिंग पेयर येट। राजस्थान रॉयल्स ने, ये जो इनका पहला मैच आज पंजाब के साथ होने वाला है, उससे पहले अभी तक ओपनिंग पेयर डिसाइड नहीं किया है। मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी प्रीव्यू वीडियो में बताया था कि स्टोक्स भी ओपनिंग कर सकते हैं, तो अब तो शाम को ही पता लगेगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन अगर आप कर रखेंगे हमारे माई क्रिकेट प्रोडक्शन के, तो वहां भी पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। आईपीएल के तीसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को धूल चटा दी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने। केकेआर की टीम को ये जीत मिली। स्कोर कार्ड आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, केकेआर तो जीत गई, लेकिन आप कब जीत रहे हैं 1 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, डिस्क्रिप्शन कार्ड बॉक्स से लिंक है, बड़ा बड़ा जाइए, माय 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ 1 रुपए लगाकर रणवीर भैया के कॉन्टेस्ट में आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नीचे दी गई लिंक से जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर अपना पहला पैसा डालेंगे तो फ्री में इस ऐप की तरफ से आपको 1500 रुपए और 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, राशिद खान, शेन वॉटसन, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, रहाणे यहाँ पर टीम बनाते हैं। इनके खिलाफ अगर आप खेलते हैं तो दुगने से लेकर 5 गुना तक पैसा आप हर रोज जीत सकते हैं। और भाई, ये जो इंडियन T20 का मेला लगा हुआ है ना, इसके लीडर बोर्ड का हिस्सा बनेंगे तो 2 से 4 करोड़ रुपए पूरे आईपीएल में जीत सकते हैं। अब इतना पैसा है भाई, बह रहा है, तो आप क्यों देर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जीत चुके हैं। प्लेइंग 11 बनाना यहाँ बहुत आसान होता है, पैसे डालना निकालना बहुत आसान होता है। देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, माय 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के हवाले से। आरसीबी के 2 प्लेयर्स इस समय क्वारंटाइन में भारत आ गए हैं, लेकिन केन रिचर्डसन और एडम जैम्पा चेन्नई पहुंच गए हैं, उन्होंने अपना क्वारंटाइन शुरू कर दिया है। किस मैच से वो अवेलेबल रहेंगे वो आपको इसी वीडियो में हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आरसीबी के लिए एक बूस्टर का काम ये दोनों प्लेयर्स कर सकते हैं। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और फिर बोलता हूँ कमेंट बॉक्स को हजारों लोग पढ़ते हैं, तो आप अपनी राय देने से क्यों छूट रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी खबर को अब हम देखते हैं। तो फोर्थ जो न्यूज आ रही है वो हरभजन सिंह के हवाले से आ रही है। हरभजन सिंह के नाम एक स्पेशल रिकॉर्ड आईपीएल में जुड़ गया। हरभजन सिंह ने केकेआर की तरफ से डेब्यू कर लिया और वो 700 दिन के एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से क्रिकेट में हमें क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। दोस्तों, इससे पहले हरभजन सिंह पिछले आईपीएल में लगभग 700 दिन पहले क्रिकेट खेले थे, और ये इनके नाम एक नया ही रिकॉर्ड जुड़ गया कि भाई 700 दिन में कोई खिलाड़ी आता और बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी। मेरे हिसाब से हरभजन सिंह के लिए हर कोई को लाइक करना चाहिए, भाई वो हिंदुस्तानी क्रिकेट के शान में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिनभर की पांचवी बड़ी खबर की। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, आखिर कहां हैं ये 10 प्लेयर्स और अब कब तक इनकी एंट्री आईपीएल में होगी, उस पर एक्सक्लूसिव न्यूज है दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें कगिसो रबाडा की, एनरिच नॉटजी की, तो ये दोनों प्लेयर्स 15 अप्रैल को वापसी कर जाएंगे, अपना पहला मैच खेल सकते हैं। अक्षर पटेल के बारे में 18 अप्रैल की खबर आ रही है कि वो वापसी कर जाएंगे। चौथे खिलाड़ी जो वापसी करेंगे, देवदत्त पड्डीकल 14 अप्रैल को ये आईपीएल में वापसी कर जाएंगे, जो न्यूज आ रही है। उसके अलावा एडम जैम्पा 18 अप्रैल को एंट्री कर सकते हैं, लुंगी एनगिडी 16 अप्रैल को एंट्री कर सकते हैं, तो वही डीकॉक 13 अप्रैल को, मतलब कल होने वाले मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इस पर और डिटेल अभी बताऊंगा कहां मिलेगी आपको, लेकिन 8वें खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान रिपोर्ट है 15 अप्रैल को खेल जाएंगे। जोफ्रा आर्चर 24 अप्रैल से पहले नहीं दिखेंगे, तो वही केम रिचर्डसन 18 अप्रैल को खेल सकते हैं। अब ये अभी न्यूज आ रही है कि ये प्लेयर्स जो कि क्वारंटाइन हुए पड़े थे, ये अपना पहला मैच इन तारीखों को खेलते हुए नजर आएंगे। इसमें बदलाव भी हो सकता है टेस्टिंग के आधार पर, क्योंकि इनका टेस्ट भी होना अभी बाकी है,
तीन तीन टेस्ट इनके मैच से पहले भी होंगे, तो उसके बाद हमें पता लगेगा। इन पर सारी अपडेट हम टेलीग्राम पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम पर जाइए, द रियल एमसीपी को सर्च कीजिए। 49,000 लोग दोस्तों परिवार का हिस्सा बन गए, आप भी परिवार का हिस्सा बन जाइए। फेक चैनल भी है जिसके 52-53,000 फॉलोअर है, उससे फॉलो मत कीजिएगा, सिर्फ रियल चैनल को फॉलो कीजिए। रियल चैनल की एक खासियत है दोस्तों कि वहां हर रोज मेरी एक वीडियो भी आती है जिसमें मैं खुद आपको कुछ बताता हूँ, तो भाई रियल चैनल को माई क्रिकेट प्रोडक्शन के टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। आईपीएल के पॉइंट्स टेबल को लेकर फिर से एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दिल्ली की टीम तो नंबर एक पर बनी हुई है, उन्होंने बड़े अंतर से हरा दिया था चेन्नई को, लेकिन नंबर दो पर अब केकेआर आ गई है। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, आरसीबी के जो नेट रन रेट है बहुत कम है और आरसीबी अब खिसकती जाएगी नीचे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आरसीबी अब नंबर तीन पर आ गई है, एक और टीम एक बड़े अंतर से जीतती है तो आरसीबी नंबर चार पर खिसक जाएगी, और इसे ही नेट रन रेट का जादू कहते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट्स टेबल पर मैं एक स्पेशल वीडियो हर रोज लाऊं, तो आप नीचे लाइक के बटन को हिट कर मुझे संकेत दे सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा और उसके बाद फिर प्लानिंग करूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। नीतीश राणा के हवाले से रिपोर्ट है, नीतीश राणा ने मैच में बहुत तगड़ी पारी खेली कोविड से लौट रहे थे, और उसके बाद उन्होंने टीवी पर कैमरे पर अपनी अंगूठी दिखाई। उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग बात करने लगे कि भाई नीतीश राणा क्या इतने बड़े हो गए हैं कि वो शो ऑफ कर रहे हैं, वो अपनी सोने की रिंग को लोगों को दिखाकर शो ऑफ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब उसकी सच्चाई सामने आ गई है। दोस्तों ट्विटर पर जितना भी ट्रेंड चला उसको आप एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि नीतीश राणा की तरफ से रिपोर्ट ये है कि भाई 2019 में उनकी शादी हुई थी और ये रिंग ये इन्हीं उन्होंने अपनी पत्नी को डेडिकेट की है जो रिपोर्ट आ रही है, और इसीलिए उन्होंने ये रिंग कैमरे को दिखाई थी। तो कोई शो ऑफ नहीं था, वो विराट कोहली से बड़े नहीं है, तमाम तरह के मीम्स उनके बारे में चल रहे हैं, सलमान को लेकर भी मीम्स आ गए, तो भाई परे रहिए इससे, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं करता। हमें पता है कि उनके कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जून में पीएसएल होने वाला है, 1 जून से 20 जून के बीच पीएसएल खेला जाएगा। कराची में शेड्यूल आउट हो चुका है, पहले कहा जा रहा था ये आईपीएल से क्लैश होगा, लेकिन आईपीएल से कोई क्लैश नहीं होगा, आईपीएल जैसे खत्म होगा उसके अगले 2 दिन बाद पीएसएल का मजा अगर आप देखना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नौवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। ऑरेंज कैप में अभी भी शिखर धवन नंबर एक पर बने हुए हैं, हालांकि नंबर दो पर नीतीश राणा एक अच्छी पारी के बाद आ गए, हालांकि ये सिर्फ अभी शुरुआती 4 दिन हुए हैं टूर्नामेंट को, और पॉइंट टेबल में हमें बहुत उलटफेर देखने को मिलने वाले हैं जिसका पूरा एक्शन हर रोज हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दसवीं बड़ी खबर की। तो यहाँ पर हर्षल पटेल पर्पल कैप की दौड़ में अभी भी नंबर एक पर बने हुए हैं, मैंने कहा था इस हफ्ते हर्षल पटेल आपको नंबर वन पर ही दिखेंगे। नंबर दो पर आवेश खान है, क्योंकि बहुत जल्दी नीचे आ जाएंगे क्योंकि उनके नाम कोई ज्यादा विकेट नहीं है, पर पटेल के नाम 5 विकेट है जिन्हें नीचे करने में एक हफ्ता 10 दिन अभी दूसरे खिलाड़ियों को लगेगा, अभी तो रवाडा नहीं आए हैं, तो वो भी एक पॉइंट है। तो दोस्तों ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। माय 11 सर्कल ऐप पर अपना अकाउंट जरूर बना लीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है कमेंट बॉक्स, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।